दोस्तों, भगवान के लिए भक्तों की भक्ति तो आपने देखी होगी, माँ के लिए प्यार भी देखा होगा, लेकिन आज मैं जो आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ उसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। कैसे, वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। देखिए, महाकाल की नगरी उज्जैन से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक बेटे ने मां के लिए अपने ही शरीर की खाल से चप्पल बना दी। जी हाँ, अब इस वाकये का वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग खूब हैरान और परेशान हो गए हैं। देखिए, वायरल वीडियो से जुड़ा पूरा मामला और कौन ये शख्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो इस कलयुग में श्रवण कुमार बनकर सामने आया है। सोशल मीडिया पर जिस शख्स की खूब चर्चा हो रही है, उसका नाम रौनक गुज्जर बताया जा रहा है। दरअसल रौनक गुज्जर कभी अपराध जगत में जाना माना नाम था, लोग इस नाम से खूब खौफ खाया करते थे। अब रौनक पर करीब 37 आपराधिक मामले भी दर्ज थे और वो बदनाम हिस्ट्री शीटर हुआ करता था। लेकिन रौनक का अपराध से कोई लेना देना नहीं है, वो जमानत से अब बाहर हो चुके हैं। दरअसल 2019 में रौनक पुलिस के हिरासत में था और इस दौरान उसने भागने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस ने उनके पैरों में गोली मार दी। तब से उसे चलने में दिक्कत होने लगी और वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर हो गया। तब उसकी मां ने उसकी खूब देखरेख की। इस दौरान रौनक ने रामायण पढ़ी। ये ही रौनक की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रामायण पढ़ने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि संसार में सबसे अहम माँ का दर्जा होता है। यहाँ से उसे माँ की सेवा की प्रेरणा मिली। अब इतनी ज्यादा प्रेरणा मिली कि उन्होंने अपने खाल से ही अपनी माँ के लिए चप्पलें बना दी। जी हाँ, रामायण में प्रभु राम के चरित्र से काफी प्रभावित होकर रौनक ने माँ के लिए अपने शरीर की खाल उधाड़ कर खड़ाऊ बना दी। रौनक की माने तो रामायण में भगवान राम ने ही कहा है कि अपनी माँ के लिए चमड़े से खड़ाऊ भी बनवा दे तो कम है। बस इसी बात से प्रभावित होकर उन्होंने इस बात का संकल्प किया। इसके लिए रौनक हॉस्पिटल में सर्जरी करवाकर अपनी पैर की चमड़ी उन्होंने निकलवाई और इस बात की भनक उन्होंने घर में किसी को भी नहीं होने दी। फिर अपनी चमड़ी को लेकर वो मोची के पास पहुंचे और उन्होंने ये अपनी माँ के लिए चप्पल तैयार करवा दी। रौनक ने 7 दिन के लिए अपने घर के पास भागवत कथा का आयोजन भी करवाया। इसी भागवत कथा के दौरान रौनक गुज्जर ने अपना संकल्प पूरा करते हुए अपने मां के चरणों में अपने चमड़ी से बनी चरण पादुका पहनाई। फिलहाल अपनी मां के लिए इतना टूट प्रेम देखते हुए हर कोई हैरान हो गया है। आप भी मुझे बताइएगा कि इस खबर और इस किस्से को सुनने के बाद आपका कैसा रिएक्शन था, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।